गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीओसी एंड इन सीक्वेंशियल रिएक्शंस के ऊपर। पीओसी मींस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमें गिवन होती है तो रिएक्टेंट की अमाउंट बताकर हमसे प्रोडक्ट की अमाउंट कई टाइप के न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इक्वेशन को बैलेंस करें मोल मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू, उसके बाद हम उसकी अमाउंट को निकालें, एक तरीका तो ये होता है। सेकंड तरीका हम पीओएसी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड थिंग, पीओएसी के थ्रू हम उन न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व कर सकते हैं जब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट ही दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम सीक्वेंशियल रिएक्शंस भी कहते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शंस में न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए और लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चंस को भी इजी वे में सोल्व करने के लिए हम पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। आइए देखिए किन किन रिएक्शंस में ईजी वे में हम आंसर निकाल सकते हैं। इधर देखिए बोर्ड पर, सीक्वेंशियल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन एक्ट एज रिएक्टेंट ऑफ अनदर रिएक्शन। जैसे फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट ए बी है, ये सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट भी है। सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट ए बी टू है, ये थर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट भी है। तो ऐसे रिएक्शन को हम सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड केस में देखिए, ये स्टार्च है, स्टार्च ने किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ए बनाया, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया और सी अल्टीमेटली सी ओ टू में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को सोल्व करने के लिए हम पीओएसी का यूज करते हैं, जिससे हमारा आंसर बिना बैलेंस किए केमिकल इक्वेशन को आ सकता है। तो हम एक एक करके बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की। मान लीजिए, जैसे एग्जांपल फर्स्ट की मैं बात करूं, मुझे ए टू या बी टू में से किसी भी एलिमेंट की अमाउंट दे दी जाए और मुझसे पूछा जाए कि बताइए इस रिएक्शन में तीन स्टेप के बाद या चार स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसकी अमाउंट कितनी बनेगी। तो इसका पहला तरीका जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि पहले मैं इसी क्वेश्चन को बैलेंस करूंगा, फिर इसी क्वेश्चन को बैलेंस करूंगा, फिर इसी क्वेश्चन को बैलेंस करूंगा, मोल मोल रिलेशनशिप यूज करके मैं ए टू से ए बी निकालूंगा, फिर ए बी को कन्वर्ट करूंगा ए बी टू में, फिर ए बी टू को कन्वर्ट करूंगा ए थ्री बी एट में। इस तरह से हम इस समस्या को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है क्योंकि पहले तो मुझे इसमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हर रिएक्शन के लिए स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस लगा लगा कर हम इसे सोल्व करेंगे। इसके बजाय हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का यूज करके एक मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको यूज कैसे करते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं, यहां तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। यहां तो हमें कम से कम प्रोडक्ट गिवन तो थे, सेकंड रिएक्शन में तो ए बी सी तीनों ही अननोन है, यानी कि हमें केवल एक रिएक्टेंट दे रखा है और प्रोडक्ट क्या बना उससे सीओ टू दे रखा, बीच के तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें गिवन ही नहीं। तो इस केस में मैं बैलेंसिंग के थ्रू या मोल मोल रिलेशनशिप को यूज करके बिल्कुल भी स्टार्ट से CO2 की अमाउंट नहीं निकाल सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, POAC का यूज करना पड़ता है। थर्ड रिएक्शन देखिए, हालांकि सीक्वेंशियल रिएक्शन तो नहीं है लेकिन ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, Fe0.96S। अब इस इक्वेशन से अगर मुझे Fe2O3 की अमाउंट निकालनी है तो वो भी मुझे बड़ा चैलेंजिंग है, इसकी बैलेंसिंग बड़ी टफ है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको करना पड़ेगा। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम आइए सीखते हैं पीओएसी से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से